So hey guys, what's up? My name is Rahul Sharma and you're watching Fun with RS, and I'm back with a new video. And in this video I'm going to show you that how you can update your PUBG Mobile in Tencent Gaming Emulator laptop or PC to 0.13 Godzilla update. So guys, the video will be in Hindi but I have provided the English subtitles for you. एंड गाइज, एक और बात, मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला. मैं कोई आपको जेड आर्चीवर डाउनलोड नहीं करवा रहा, ई एस फाइल एक्सप्लोरर, कोई फाइल वाइल मैनेजर डाउनलोड नहीं करवा रहा, एंड कोई जैसे ओ बी बी नहीं छेड़नी आपको, ओ ए पी के नहीं छेड़नी, ऐसा कुछ भी नहीं करना. सिंपलेस्ट वे बताऊँगा जिससे आप अपने पबजी को 0.13 गॉडज़िला अपडेट से अपडेट कर सकते हो. तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो गाइस, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप में ही एक लिंक मिला होगा, एंड आपको उस लिंक पे क्लिक करना है. एंड जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, देन आप क्लिक्स फ्लाई ऐसी कुछ वेबसाइट पे पहुंच जाओगे. यहाँ पे आपको सिंपल आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा को सॉल्व करना है. एंड इस कैप्चा को जब आप क्लिक करोगे, इस पर आप दूसरे टैब पर चले जाओगे, एंड आपको ये सब क्रॉस करना है. एंड इसी सब कुछ भी नहीं छेड़ना, आपको दोबारा से उसी पुराने वाले टैब में जाना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है. एंड देन जब आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करोगे, एक और नए टैब खुल जाएगा, आपको फिर से उसी टैब में जाना है. देन फिर आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे करोगे, देन आपको 8 to 15 सेकेंड्स वेट करना होगा. 8 to 15 सेकेंड्स वेट करने के बाद आपको गेट लिंक पे क्लिक करना है, फिर आप दोबारा उस पे चले जाओगे. देन आपको दोबारा पुराने वाले टैब में जाके आप टेंसेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, टेंसेंट गेमिंग बड्डी की. एंड यहाँ से आपको लेटेस्ट एमुलेटर डाउनलोड करना है, लेटेस्ट एमुलेटर का सेटअप. जैसे आप डाउनलोड करोगे, ये 9-10 MB का होता है, ये सबसे लेटेस्ट आपको डाउनलोड करना है. देन आपको जब आप इसको खोलोगे, देन कुछ ऐसा आएगा, प्ले पबजी मोबाइल ऑन PC, जैसे आपने कुछ पहली बार कर रहे हो ये. एंड देन आपको सब फिर क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है. स्टार्ट पे क्लिक करते ही गाइस, जो पबजी मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट होने लग जाएगी. जैसे कि आप देख सकते हो, दी पबजी मोबाइल इज़ नाउ अपडेटिंग 1%. अगर मान लो गाइस यहाँ से नहीं हुई, तो आप गेम सेंटर में जाके यहाँ इधर से भी इंस्टॉल पे क्लिक करके आप पबजी मोबाइल कर सकते हो. वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए, बाय चांस अगर नहीं हुई तो आप वहाँ से जाके भी कर सकते हो. बट आप जैसे देख सकते हैं, मेरे ऑटोमेटिकली ही जो पबजी मोबाइल है वो अपडेट हो रही है सक्सेसफुली. एंड गाइस, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, देन आप नॉर्मल अपनी पबजी चलाओगे, तो आपकी आराम से जो गॉडज़िला अपडेट है 0.13 वो रन करेगा. गाइज, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि आज 11 जून है, एंड जो अपडेट है आपने मेंटेनेंस नोटिस में पढ़ा कि 12 जून को आएगा. एंड गाइज, आप प्लीज़ 12 जून को ही अपनी पबजी अपडेट करना. एंड एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जो अपडेट है वो मोबाइल के लिए पहले आता है, फिर थोड़ी देर बाद एमुलेटर के लिए आता है, क्योंकि एमुलेटर के फंक्शंस अलग होते हैं और एमुलेटर मोबाइल पबजी मोबाइल से एकदम अलग होता है. इसलिए जो अपडेट है एमुलेटर के लिए थोड़ी देर बाद आता है, फिर ही उसके बाद पहले सबसे पहले पबजी मोबाइल का अपडेट आता है, देन एमुलेटर का आता है. तो सबसे पहले आप कंफर्म करें कि आपकी कंट्री या फिर आपकी लोकेशन कहीं पर भी एमुलेटर के लिए अपडेट आया है पबजी मोबाइल का या नहीं, तभी आप उसको डाउनलोड करें. ठीक है, मैंने सिंपल क्लियर कर दिया. प्लीज़ 12 जून को डाउनलोड करें, एंड सबसे पहले कंफर्म करें कि अपडेट आया है कि नहीं. तो गाइस, यहीं तक की थी आज की वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, एंड कमेंट करके बताओ. अगर कोई सजेशंस देना चाहते हो, शेयर करो अपने दोस्त को जिनको दिक्कत आ रही है अपडेट करने में. सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी मैं अपनी नई वीडियो को अपलोड करूँ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.